आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स का न्यूज है 13 जून 2023 का। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं 13 जून के और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं करंट अफेयर्स के, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं और अक्सर इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है G20 सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान 20 यानी इसको साई 20 जो समिट है यह कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर है गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। साई 20 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का जो समिट है वह आयोजन किया जाएगा गोवा में। अगला है कौन सा संस्थान नीति चाहने वालों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी स्थापित करेगा, इसका सही उत्तर है IRDAI जो संस्था है वह नीति चाहने वालों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी स्थापित करेगा। IRDAI का जो फुल फॉर्म हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है IRDAI का। और यह जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता होगा वह 14 अंकों का यह पहचान करता होगा, यानी जैसे आधार क्या है 12 डिजिट का एक यूनिक है सबके लिए अलग अलग, उसी तरह से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता जो होगा वह 14 अंकों का यह पहचान करता होगा और इसे भारतीय बीमा नियामक जो कंपनी है वह इसे रेगुलेट करेगी। अगला क्वेश्चन है वेस्ट टू वेल्थ पहल के हिस्से के रूप में सागर समृद्धि किसने शुरू किया है, तो सही उत्तर है सर्वानंद सोनोवाल जो है वह हाल ही में वेस्ट टू वेल्थ पहल के हिस्से से सागर समृद्धि इन्होंने शुरू किया है। अगला है 2021 से 25 तक कोयला और लिग्नाइट योजना की खोज का परिव्यय क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2980 करोड़ रुपए जो है वह 2021 से 2025 तक कोयला और लिग्नाइट योजना की खोज का यह परिव्यय है 2980 करोड़ रुपए। अगला है ऊर्जा मंत्रालय ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन जिसे माहिर नाम दिया गया है इसको शुरू किया है, तो सही उत्तर इसका है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ जो है ऊर्जा मंत्रालय जो है वह उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन माहिर शुरू किया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ अमृत पीढ़ी अभियान एक नए भारत के सपने को शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेटा। मेटा जो है पहले फेसबुक था कंपनी, तो अभी फेसबुक का यह पेरेंट कंपनी है मेटा, जिन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है वह मेटा के साथ अमृत पीढ़ी अभियान एक नए भारत के सपने को यह शुरू किया है। अगला है किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है, तो सही उत्तर इसका है मध्य प्रदेश जो सरकार है वह मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को शुरू किया है और मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। यह जो योजना है मुख्यमंत्री लाडली योजना यह आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं इनको आर्थिक रूप से सहायता किया जाता है लाडली बहना योजना के तहत, और इसमें महिलाओं के पास जो है 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए और महिलाओं का जो वार्षिक आय होना चाहिए वह 2.5 लाख से कम होना चाहिए। पहले जो यह योजना थी वह 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की महिलाओं के लिए थी, लेकिन अब इसे 23 से घटाकर अब 21 वर्ष कर दिया गया उम्र सीमा, 21 से 60 के बीच होनी चाहिए महिलाओं की उम्र। और इसका हम लोग बात करते हैं कि इसका लाभ क्या है यह योजना का, तो इसके तहत जितने भी महिलाएं हैं उनको 12,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी कि 1,000 रुपए जो है प्रति महीने सीधे महिलाओं के खाते में यह राशि को भेजा जाएगा और बाद में इसे बढ़ाकर 1200, 1400, 1600 और इसे बढ़ाते जाएगा इस योजना को। तो यही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है इसका लाभ है। अगला है हाल ही में किलावा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है वह किस द्वीप में स्थित है, तो यह जो है हवाई द्वीप में स्थित है जो कि USA के पास है हवाई द्वीप, जहां किलावा जो है काफी एक्टिव यह ज्वालामुखी है जो कि 3-4 साल पहले भी यहां विस्फोट हुआ था और अभी हाल ही में यहां विस्फोट हुआ है अभी चल रहा है, तो यह जो हवाई द्वीप में स्थित है किलावा ज्वालामुखी। अगला है किस देश ने
एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग विकसित की है? तो सही उत्तर है चीन, जो देश है वह एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए है दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग को विकसित किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका चीन देश। अगला है, किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो संस्था है वह आधार बनाती है। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इनका होगा सुबोध कुमार सिंह, जो है इनको राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी के महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा सुबोध कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, किसे IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडिगो एयरलाइंस के CEO है पीटर एलवर्स। पीटर एलवर्स को IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे इनका नाम था एयबोन मंजी माकोलो। और IATA जो संस्था, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आप फुल फॉर्म को जरूर याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। और इसे 1945 में स्थापित किया गया था। और यह जो संस्था है दुनिया की एयरलाइंस का एक क्या व्यापार संघ है, यह क्या एक व्यापार संघ है। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है इसका 12 जून को हर साल बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो विषय है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का, यह है सभी के लिए सामाजिक न्याय है, बाल श्रम को समाप्त करो। यह काफी सेंसिटिव टॉपिक है बाल श्रम, तो इसको समाप्त करना काफी जरूरी है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है पहली बार 2002 में यह जो विश्व बाल श्रम दिवस है इसको मनाने के लिए शुरुआत किया था। अगर हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में तो इसके अभी प्रमुख है गिलबर्ट होंगेबो, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, जो कि आपको जरूर से जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि इसके बारे में कभी न्यूज पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का 13 जून 2023 का। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा।